नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो आपकी आगामी यूपी पुलिस की एग्जाम और रेलवे के एग्जाम के साथ साथ एसएससी सीजीएल और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारा फोकस है मेन ये यूपी पुलिस, तो ये यूपी पुलिस और आरपीएफ एसआई की परीक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोगी प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। देखिए कभी कभी हमारे मांसपेशियों में मतलब हाथ पैर में थकावट महसूस होने लगती है, तो ये लैक्टिक अम्ल उपस्थित हो जाता है जिसके कारण से होता है। ठीक है, अगला है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में मित्रों टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्गनोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कह रहा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। तो सबसे लंबी कोशिका को क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। ठीक है, अगला है, यह प्रश्न नंबर 5, कह रहा कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो दांत मुख्य रूप से जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, डेंटाइन के बने होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। तो उसका नाम है क्या, पैरामीशियम। ओके, अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है क्या कि केंचुए की कितनी आंखें होती हैं। तो केंचुए की एक भी आंख नहीं होती है, केंचुआ को किसी भी तरफ की आंख की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आपने देखा होगा केंचुआ जिधर को उसको काट दिया जाए वहां से वो नया रूप ले लेता है, तो वो आगे को भी चल सकता है पीछे को भी चल सकता है, यानी उसके कोई आंख नहीं होती है। अगला है 8वां नंबर, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो दोस्तों गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, यानी विटामिन ए का क्या है, ये समृद्ध स्रोत होता है। अगला है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों प्रोटीन में जो है वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह पाए जाते हैं, चावल में जो है वो प्रोटीन नहीं पाया जाता है, रोटी में प्रोटीन पाया जाता है और दो आँखें वाली या फिर दो पलकों वाली दालों में प्रोटीन पाया जाता है। कहने का मतलब जिसमें दो पलक होती है, यानी कि दो भाग हो जाए, जैसे मटर हुआ, चना हुआ, अरहल हुआ, तो ये सभी अरहर मटर चना में क्या होते हैं, दो दालें होती हैं, यानी एक बीज में दो पार्ट होते हैं, उनको बीज से फाड़ दिया जाए तो इनमें समय क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अगला देखते हैं 10वां, देखिए 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो दोस्तों मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है, इसको आप याद रखिएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में हमारी जो धातु पाई जाती है वो लोहा होता है। आपने देखा होगा लोग लोहा कम हो जाता है रक्त में, तो लोहा सा वगैरह टॉनिक वगैरह पीते हैं या फिर मतलब बहुत से ऐसे उपाय करते हैं, उनके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो उनके अंदर कमजोरी आ जाती है, तो वो लोग आयरन लेते हैं। और आयरन हमें सामान्य रूप से कहाँ से मिलता है, जैसे कि हम लोहे से काट करके मतलब कि लोहे के चाकू से काट करके सब्जियाँ खाते हैं, फल खाते हैं, या फिर लोहे की कढ़ाई में सब्जियाँ वगैरह बनाते हैं, तो उसमें से हमें थोड़ा बहुत आयरन मिल जाता है। ठीक है, और वैसे कोई लोहा चबाता तो नहीं है कि उसको लोहा मिल जाए, तो लोहा मिलता कहाँ से, ऐसे मिलता है, इसके अलावा पालक से लोहा मिलता है, बहुत से ऐसे सब्जियाँ हैं फल हैं जिनमें से आयरन मिलता है। ठीक है, आयरन की कुछ मात्रा मिलती है। आपने देखा होगा भरपूर मात्रा में चने में लोहा पाया जाता है, कैसे, आप एक मतलब कि किसी स्टील के बर्तन में या फिर किसी लोहे के बर्तन में भिगो करके चने को रख दीजिए, देखिए चना काला हो जाता है, उसके काले होने का रीजन क्या है, आयरन की भरपूर मात्रा। ठीक है, अगला है, कह रहा है किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का उदाहरण दोस्तों होता है दूध का खट्टा होना, खाने का ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना, ये क्या है, किण्वन का उदाहरण है। और किण्वन का ही सहायता से क्या होता है, जो दही वगैरह जमाया जाता है, दूध मतलब पका करके दही बनाया जाता है, खट्टा होता है, उसमें किण्वन कराया जाता है। इसके अलावा सिरका वगैरह आपने देखे होंगे, उसमें भी कुछ यही प्रक्रिया होती है। अगला है 13 नंबर, कह रहा निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पनीर जो होता है, यानी कि दुग्ध उत्पादन का एक ये भी क्या होता है, पदार्थ होता है पनीर, दूध से बनाया जाता है, ये भी क्या करता है, हमारे शरीर के नए ऊतक के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, ड्रेको, ड्रेको क्या है, एक उड़ने वाली छिपकली है। ठीक है, छिपकली कई तरह की होती है लेकिन ये छिपकली उड़ती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो उसका नाम है किंग कोबरा। दोस्तों किंग कोबरा जो है वो विश्व में बहुत ही खतरनाक मतलब कि बहुत ही जहरीला सांप होता है, और यह सांप बिल नहीं बनाता है, यह सांप घोंसला बनाता है और घोंसले में रहता है।
अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो दोस्तों भारत में जो पाई जाती है सबसे बड़ी मछली वो है व्हेल शार्क। 17 नंबर है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि दो पलके वाली दालों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, मैंने आपको पीछे बता दिया है, ठीक है। अगला है नंबर 18, कह रहा कि देसी घी से सुगंध क्यों आती है। क्यों आती है, क्योंकि इसका कारण ये है कि डाई एसिटिल के कारण उसमें से सुगंध आती है, क्योंकि देसी घी में डाई एसिटिल पाया जाता है, इस कारण वो दूर से ही महकता है और मालूम चल जाता है कि कहीं देसी घी रखा हुआ है। तो ये थे आपके 18 क्वेश्चन, चलिए अगला देखते हैं। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है 19, कह रहा है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो वो क्या होता है, लाल रंग, लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। आपने देखा होगा इंद्रधनुष जो होती है कहाँ बनती है, आसमान में, बारिश के महीने में जब बारिश बंद हो जाती है, आसमान साफ हो जाता है, तो 7 रंग की एक इंद्रधनुष निकलती है। आपने कभी अगर देखा हो तो बरसात में, गाँव से बिलोंग करने वाले लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, इसको देखे भी होंगे, ठीक है। शहर में तो आपको बादल दिखता ही नहीं है, तो आप कहाँ से देखेंगे इंद्रधनुष। चलिए फिर भी आगे देखते हैं। कह रहा है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, दोस्तों हीरे में क्या होता है, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण ये चमकदार दिखाई देता है, यानी हीरे पर जो प्रकाश आता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, लौट जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चमकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप कोई टार्च जलाएं शीशे पर, तो शीशे से आपकी आंखें पर लौट कर क्या पड़ता है, रोशनी पड़ती है ना, उसी तरह से कुछ हीरा होता है, इसी कारण से बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। अगला नंबर 22, कह रहा है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो दूध की शुद्धता का मापन जो है लैक्टोमीटर से किया जाता है। आपने देखा होगा जब दूधिया लोग दूध लेने आते हैं तो साथ में एक लैक्टोमीटर लेके आते हैं, और दूध लेने से पहले वो दूध वाले के जो दूध होता है उसमें लैक्टोमीटर लगाते हैं, उसमें से देखते हैं रीडिंग कितना हो रहा है, 29 हो रहा है कि 26 हो, 30 हो रहा है, 26 हो रहा है, उसके अनुसार वो अनुमान लगाते हैं कि इसमें पानी मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया। जैसे रीडिंग अगर 29, 30, 28 आता है, समझ लीजिए दूध अच्छा है। अगर मान लीजिए 32, 34 आने लगा, तो इसका मतलब पानी मिलाया हुआ है। या फिर मान लीजिए उसमें 22, 23 आ रहा है, 20 आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तब भी उसमें समझ लो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अगला कह रहा है 24 नंबर, कह रहा है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में धरती पर जो उपलब्ध धातु है उसका नाम है एल्यूमिनियम, AL। आपने देखा होगा इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, ठीक है। अगला है 25 नंबर, कह रहा है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। तो मोती जो होता है मुख्य रूप से दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है। अगला है 40 नंबर, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन के कारण ही हम जिंदा हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की सहायता से हम लोग सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। अगला है ये क्वेश्चन, कह रहा है क्या कि किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। शरीर की सुरक्षा कवच का जो काम करते हैं उन ऊतक को क्या बोलते हैं, एपिथीलियम, ठीक है। अगला है 28, कह रहा मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता नामक जंतु को पालतू बनाया था। आपने देखा होगा जो प्राचीन समय में लोग रहते थे, शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे, खाते थे, पत्थर से कूचते थे, मतलब कि उनके पास कोई औजार नहीं होता था, कच्चा खाते थे, तब आग की भी खोज नहीं हुई थी, लेकिन उनके साथ कुत्ते साथ में होते थे, आपने देखा होगा, ठीक है। तो कुत्ते क्या करते थे, शिकार करने में उनकी सहायता करते थे, और क्या करते थे, मतलब जिसको आदमी वो पकड़ना चाहता था, शिकार करना चाहता था, कुत्ते उसको दौड़ा करके पकड़ लेते थे, और फिर वो लोग उसको मार करके अपना शिकार बना लेते थे। तो सबसे पहला हमारा जो मित्र है वो क्या है, कुत्ता है, यानी मानव का सबसे पहला मित्र पालतू जानवर कौन बना, कुत्ता बना। कुत्ता एक वफादार जंतु होता है, आदमी धोखा दे देता है लेकिन कुत्ता कभी धोखा नहीं देता है। अगला आपने देखा नहीं होगा, चलिए दिखाते हैं। अगला कह रहा है सबसे अधिक तीव्रता का ध्वनि कौन उत्पन्न करता है। तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि जो होता है वो बाघ उत्पन्न करता है, टाइगर। आपने टाइगर की दहाड़ सुना होगा, गाय की आवाज़ सुना होगा, कुत्ता की आवाज़ सुना होगा, लेकिन टाइगर की आवाज़ जो होती है सबसे ज़्यादा तेज होती है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती हैं, क्या ले जाती हैं, ध्वनि तरंगे जब अपने साथ चलती हैं तो ऊर्जा ले जाती हैं, ठीक है। कैसे, अगर आपको कोई आवाज़ सुनाई देगी तो भाई किसी न किसी माध्यम से तो आती है ना वो, अगर कुछ नहीं होगा बिना ऊर्जा के तो कुछ चलता नहीं है, तो अपने साथ क्या लेके जाती है, ऊर्जा लेके जाती है। 32 है, और एक
एग्जाम्पल के लिए हम आपको और बता दें, मैं इस क्वेश्चन में चिल्ला रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ जो चीज़ आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, एक ऊर्जा का जो है वो मतलब कि निष्कासन कर रहा हूँ, ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ, तभी तो आप तक मेरी आवाज़ जा रही ना। अगला है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है, मतलब कि जो ढका नहीं होता है। अगला है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है, हमें तो केवल एक ही रंग दिखाई देता है ना। नंबर 34 कह रहा है, टाइपराइटर यानी टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों टाइपराइटर यानी टंकण मशीन के आविष्कारक जो है उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? सोल्स। आपने देखा होगा जो लोग स्टेनोग्राफर एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हैं, वो लोग टंकण पर टाइपिंग वगैरह अपना करते हैं, ठीक है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? सोल्स ने किया था। नंबर 35 है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? उसका नाम है ए और टी और सॉरी ए टी नहीं ए सी एम, ठीक है। क्या बोलते हैं? ए सी एम, ये सिरका का लैटिन नाम है। अगला है मित्रों, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए आगजैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 37, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग जो है कवकों द्वारा उत्पन्न होता है। 38 है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम जो है वो क्या है दोस्तों? मेंगीफेरा इंडिका, ठीक है। अगला है 39 नंबर, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है काफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। नंबर 40 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है, उसके बाद नींबू भी होता है। तो मित्रों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ठीक है, क्या महसूस किया आपने इन प्रश्नों के बारे में, उसको आप जरूर बताइएगा हमसे। उसके लिए आप सबसे पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल की बटन को ऑन कर लें। और दोस्तों एक बात आपको बताना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बगल में एक बेल की बटन आएगी, उस पर क्लिक करके बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप PBR स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज को देखते रहें। और आपको बता दें आपकी लाइव क्लासेज जो हैं वो हर दिन इस समय चल रही हैं, मैथ की लाइव क्लास आपकी चल रही है प्रत्येक सुबह 9 बजे से, जिसमें आप इस समय मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में इस समय प्रतिशतता चल रहा है। प्रतिशतता में हमने पार्ट 3 तक पढ़ा दिया है, कल हम पढ़ाएंगे पार्ट 4, चौथा भाग देखेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। तो ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल मिस नहीं करिएगा और ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आप सभी व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। इसी बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है या फिर कोई भी वीडियो से संबंधित शिकायत है, तो आप हमें इस नंबर पर हमसे क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमें अपनी बातों को डायरेक्ट कहना चाहते हैं, तो आपके पास व्हाट्सएप का सिस्टम नहीं है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 78-438-32-999, ठीक है, ये 2 है, ओके। और उसके अलावा एक दूसरा नंबर भी है 78-438-33-999-3 बार, ठीक है। तो आपको इसकी जगह पर 32 रख देना है या फिर 33, दोनों नंबर जो मिलाएंगे आप तो हमारे पास ही आएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन जिसको आपने देखा, और आप लोगों के आशीर्वाद से इस समय लगभग 1500 लोग होने वाले हैं, 1500 प्लस, तो ये आप लोगों का ही प्यार और सहयोग है जिसके कारण से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके साथ हम आपको एक कमेंट दिखा दें, पॉजिटिव कमेंट जो हमारे मित्रों ने किया हुआ है। तो दोस्तों ये था वो वीडियो जो हम आपको दिखाना चाहते थे, और इस समय आप लोगों के सहयोग से इस वीडियो को जो इसका व्यू है वो पर डे 300-400 बढ़ रहा है, और आपके जो व्यू हैं इस समय इस वीडियो के 10,300 व्यू हो चुके हैं, यानी ये चैनल पर सर्वाधिक बार देखा जाने वाला वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो के व्यू अकेले 10,310 व्यू हो चुके हैं, और इस पर हमने जो मेहनत किया हुआ था, आप लोगों की मेहनत रंग ला रही है और इस पर काफ़ी पॉजिटिव कमेंट मिल रहे हैं, तो इससे काफ़ी खुशी होती है। हम आपको एक कमेंट दिखा देते हैं, कुछ ऐसे ही कमेंट इसमें आए हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से हम आपको कुछ कमेंट दिखाएंगे।
ये पहला कमेंट आप जो देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है और आप पढ़ रहे होंगे, इसको सुमन तिवारी ने कमेंट किया हुआ था 23 घंटा पहले। और इन्होंने क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा, अब तक मन में संदेह रहता था कि कोचिंग करूं या ना करूं, लेकिन PBR स्टडी यानी PBR ट्यूटोरियल की लाइव क्लासेज देखने के बाद अब मुझे कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर दिन आपकी लाइव क्लास देखती हूं और मुझे बहुत लाभ मिलता है। आपकी जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान आपकी हर कोशिश को सफल बनाएं। आपकी शिष्य सुमन तिवारी। तो मित्रों ये आप लोगों का सहयोग है जो हम ये आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ ला रहे हैं। आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें और हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरह के कुछ वीडियो, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम आपको और दिखाते हैं। चलिए इस वीडियो के कमेंट देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि आप लोगों के क्या रिस्पांस मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसकी आवाज़ धीमा कर दें जिससे कि आपको हमारी वॉइस सुनाई पड़े, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो था कौन सा, आप देख रहे होंगे। इस वीडियो में कमेंट जो आया हुआ है उसको चलिए पढ़ लेते हैं। इसको किसने किया हुआ था, अर्जुन सिंह ने किया था, यानी अर्जुन ठाकुर ने इस कमेंट को यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये क्या लिखते हैं ध्यान से देखिएगा, इन्होंने जो लिखा हुआ है उसको हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट। देखिए इन्होंने लिखा है, वाकई सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि फ्री में कोई पूरा कोर्स कराएगा और हम घर बैठकर इस तरह से तैयारी कर पाएंगे। अब मैं बिना कोचिंग के हर दिन आपकी लाइव क्लास देखता हूं, आपकी जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। भगवान आपके करियर को उज्जवल बनाए, हमारी यही प्रार्थना है। तो आपके भी करियर को भगवान उज्जवल बनाए, हमारी भी यही प्रार्थना है। मित्रों इसी तरह से आप लोगों का सहयोग बना रहा तो आने वाले दिनों में आपके PBR परिवार में मिलियन लोग इकट्ठा होंगे। तो ठीक है, बस इन्हीं सभी बातों के साथ अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। हमने इन सबको आपको इसलिए दिखाया जिससे कि आप लोग भी देख सकें कि आपके मित्रों के और आपके क्या रिस्पांस मिल रहे हैं वीडियोज पर, उनको आप देख सकें इसलिए, ठीक है। और आप लोगों का ही सहयोग है जो आज ये एक से शुरू किया था मैंने और आज इस समय आप देख रहे हैं 4 डिजिट में पहुंच चुके हैं, यानी 1450 लोगों का फैमिली हो चुकी है। तो ये 1400 लोगों 50 लोगों की जो फैमिली हो चुकी है, ये फैमिली आने वाले दिनों में ये 1450 की जगह पर ये 14M में दिखना चाहिए। 14M मतलब कि आप जान चुके होंगे 1 मिलियन में दोस्तों होता 10 लाख, तो 14 मिलियन में कितना हो जाएगा 140 लाख। तो बस जल्दी ही ये टारगेट पूरा करेंगे, आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। थैंक यू।